कहाँ से, यहाँ से कुछ लोग पुलिस ने क्या पूछताछ के लिए उठाया है, क्या है? पुलिस ले गई है, वो तो अपने प्रशासनिक कार्यों की कोई दिक्कत आ रही होगी या कोई उनको सर्विलांस के द्वारा कोई सूचना मिली होगी तो कार्य कर रहे हैं अपना, और व्यापारी को कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, तो क्या कुछ लोगों को यहाँ से उठा ले गए हैं? नहीं, कुछ लोगों को लेंगे नहीं ले गए, वो लोग आए थे तो कुछ बच्चे यहाँ पे वीडियो क्लिपिंग बना रहे थे तो उनके तक पे आधार पे ले गए। दिल सर भाई, क्या हुआ है यहाँ पे? पुलिस आई थी कुछ लोग पहले जो है मेरे मार्केट में आए नीचे, सामने वाले थे आए तो हमने लग रहा कस्टमर है पुलिस वाले, फिर उनसे सीधा करने के क्यों चोरी का मोबाइल बेच रहे हो, तो अगले ने कहा नहीं भैया सब कस्टमर के मोबाइल हैं, हम जो है रिपेयरिंग करते हैं। फिर हमारी दुकान में आ गए, कहने लगे भैया ये सब नए मोबाइल के कैसे हैं, हम नया मोबाइल बेचते हैं, हमने भैया सबके बिल रखे हुए हैं। तो जो है क्या नाम है, फिर जो है चले गए, बस पूछताछ के लिए ले गए। हाँ, हमारी मार्केट से किसी को नहीं ले गए। घंटाघर के आसपास और थाना क्षेत्र कलेक्टरगंज, अरवंशमहल और फीलखाना में, तीनों थानों की फोर्स सीओ साहब के साथ मैं खुद आज गश्त में निकला था और लगभग ढाई घंटे तक हमने अभियान चलाया। इसको ये जो टप्पेबाजी की पिछले डेढ़ दो महीने में घटनाएं हुई हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए अभियान चलाया गया है। जो भी लोग अनावश्यक रूप से उस रोड पे उस टाइम पे घूमते रहते हैं, व्यापारियों के साथ अक्सर टप्पेबाजी की घटनाएं हो जाती हैं, उसमें देखने में आया है कि लोग पुलिस के नाम पे चेकिंग या पुलिस की वर्दी या पुलिस के जूते, पुलिस का वाहन इस्तेमाल करके इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो इसी आधार पर आज लगभग 25 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जाएगी, उनकी सकूनत तस्दीक की जाएगी, कहाँ के रहने वाले हैं, किस काम से आए थे। लगभग 12 वाहन मिले हैं जिन पर पुलिस लिखा हुआ था, जिनका मिसयूज़ हो सकता है अपराध के लिए, उन सबको सीज़ किया गया, उनके मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और व्यापारियों से बात की गई, कुछ मोबाइल की दुकानें मिली जिनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो कौन से मोबाइल रिपेयर करते हैं, कौन से उनके पास रिसीव होते हैं, उनको भी हिदायत दी गई है कि जो भी आपके पास मोबाइल ठीक होने के लिए आएँ उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करें, पूरा IMEI वगैरह उसमें रखा जाए ताकि जो चोरी के मोबाइल हैं वो ना बिक सके, उनका कोई अड्डा ना बने। और ये अभियान चलाया गया, डेली इसको चलाया जाएगा, किसी दिन हम लोग फील्ड में निकलेंगे, किसी दिन इंस्पेक्टर्स निकलेंगे, तो इसी क्रम में अभियान चलाया गया।